गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेर एवर यू आर, लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन गूगल ड्राइव, माई यूट्यूब ऑडियंस, माई फिजिकली अटेंडिंग स्टूडेंट्स, एवरी वन अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप एवरी वन इज फाइन। यस, तो जैसे कि हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम लोगों ने देखा है कि BCR की सीरीज हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, सॉरी बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, BCR का सीरीज आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैं हूँ करण अग्रवाल। यस, एंड मैं आप लोग को ऑलरेडी मेरे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बता चुका हूँ कि हम लोग किस तरीके से प्रिपरेशन करने वाले। हर एक टॉपिक, एक सेशन में एक टॉपिक हम लोग देखने वाले। वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस, वी आर गोइंग टू राइट। यस, ये हमारा प्रिपरेशन होने वाला है। हम लोग लिख लिख कर हर एक टॉपिक का प्रैक्टिस करने वाले। मैं आपको फॉर्मेट्स बताऊंगा, छोटे छोटे ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आपको क्या क्या चीजें करनी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन क्लासरूम के अंदर ही करने वाले। कि देखो, मुझे पता है कि BCR का प्रिपरेशन के लिए हार्डली आप लोग के पास टाइम रहता है। बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं जो हम लोग को देखने रहते हैं, प्रैक्टिस करना रहता है, बहुत सारा प्रेशर रहता है, तो BCR को हम लोग जनरली निग्लेक्ट कर देते हैं। तो नीड नॉट वरी, मेरा रोज एक सेशन, रोज एक लेक्चर हम लोग देखेंगे। साथ में लेक्चर देखते वक्त, जहां कहीं भी आप हो, लेक्चर देखते वक्त आप प्रैक्टिस करोगे, लिखोगे मेरे साथ साथ में, जो भी इंस्ट्रक्शंस में दे रहा हूं वो सुनोगे, उनको याद रखोगे, तो एग्जाम हॉल में आप 40 में से 25 नंबर मिनिमम, मैं बोल रहा हूं मिनिमम 25 मार्क्स, BCR आउट ऑफ 40 मिनिमम 25 मार्क्स आप ले ही सकते हो। मैं ऑलरेडी आपको मेरे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ये बता चुका हूं। सो एज प्रोमिस्ड, टुडे सेशन नंबर वन, आज हम लोग लेटर राइटिंग, जो मैंने बताया था कि हम लोग कौन से टॉपिक किस ऑर्डर में देखने वाले हैं, तो आज हम लोग लेटर राइटिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान, जो शायद हम लोग ने पहले कई बार किया भी है, स्कूल्स में कॉलेजेस में हमने लिखने का काम किया भी है, फॉर्मल लेटर्स एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ये जो हमारा चैप्टर है फॉर्मल लेटर्स एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन, इसके अंदर लेटर राइटिंग है। टाइप्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली 7 टाइप्स ऑफ लेटर्स है, फिर उसके अंदर ऑफिस सर्कुलर्स है, ऑफिस मेमोज है, तो ये सब चीजें हैं। तो जिसमें से पहला टॉपिक जो हमारा है वो लेटर राइटिंग है। तो ये टॉपिक आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। 7 टाइप्स ऑफ लेटर्स है, सब लेटर्स लिखने का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट में आप लोगों को लिखवाने वाला हूं, वो आपको रटना है, वही फॉर्मेट, कोई भी टाइप का लेटर आए आप लोग को वही फॉर्मेट फॉलो करना है, जिस फॉर्मेट के आपको मार्क्स मिलने वाले, ये सब लोग याद रखेंगे। फॉर्मेट जो मैं बोल रहा हूं वो फॉर्मेट में आप लेटर लिखोगे तो फॉर्मेट के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और फिर अगर हम लोग, जो भी मैं चीजें बताता हूं, जो भी छोटे छोटे ट्रिक्स मैं आपको देने वाला हूं, जो मैं आपको लर्न करवाने वाला हूं, वो अगर आप लिखकर आ गए तो 3-3.5 मार्क मिनिमम, मतलब 2 मार्क फॉर्मेट के और 1-1.5 मार्क मिनिमम आपको मिलेगा ही मिलेगा, मतलब 5 मार्क के इस क्वेश्चन में से 3-3.5 मार्क्स मिनिमम गारंटीड है, अगर आप मेरे ये सारे लेक्चर्स देखोगे, फॉलो करोगे, इंस्ट्रक्शंस याद रखोगे, 100% हमको ये मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इसी तरीके से हम लोग हर एक राइटिंग स्किल का जो प्रिपरेशन है क्लास में करने वाले। देखो, वाई वी आर डिफरेंट इज जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पढ़ाते हैं BCR, कोई चॉइस भी नहीं रहता है टीम के अंदर, बट आई एम टीचिंग इंग्लिश फॉर द स्कूलिंग सेक्शन, 11th-12th में भी मैं सिखा रहा हूँ, तो फाउंडेशन में भी इंग्लिश, BCR बेसिकली इंग्लिश ही है, तो वो मैं सिखा रहा हूं, तो वो आपके पास एडेड एडवांटेज है, क्योंकि मैं आपको उस स्ट्रैटेजी से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रैटेजी बनाकर सिखाने वाला हूं। नीड नॉट वरी, जिसका इंग्लिश बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं भी है, फिर भी अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करोगे तो काम आसान हो जाएगा, राइट। चलो, तो आज हम लोग लेटर राइटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। अभी लेटर्स के बारे में हम लोग को क्या पता है, हम लोग को पता है कि लेटर्स 2 तरह के हैं, फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स जो जनरली फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इन लोगों को, जिसमें अपन अरे तुरे वाला ये वगैरह भाषा कर सकते हैं, टॉपिक इतना सही है पर बातें ज्यादा कर सकते हैं, ये हमारे इनफॉर्मल लेटर्स रहते हैं। बट ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं, एंड इंस्टीट्यूट को पता है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो, यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, काम करने वाले, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको वहां पर फॉर्मल कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। यस और नो, समझ में आ रहा है सब लोगों को? तो अभी ये फॉर्मल कम्युनिकेशन जब हमें करना है तो उसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, लेटर्स का एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। इसीलिए मे बी कीपिंग इन माइंड कि आप आगे जाकर ये काम करने ही वाले हो, ऑर्गेनाइजेशन, भले आप किसी के लिए काम कर रहे हो या आपका खुद का ऑर्गेनाइजेशन हो, तो यू आर गोइंग टू बी राइटिंग फॉर्मल लेटर्स, जिसमें हो सकता है आप किसी को कुछ ऑर्डर कर रहे हो, या किसी को, किसी भी आपके वेंडर को, सप्लायर को कोई प्रोडक्ट के रिलेटेड कंप्लेन कर रहे हो, या किसी से पैसा वसूल कर रहे हो, भाई माल भेज दिया है पेमेंट नहीं आया है अभी तक, या किसी से इंक्वायरी कर रहे हो कि बाबा क्या कोई ऑफर है,
प्रपोजल है कोई नया प्रोडक्ट के बारे में या आपको कोई सर्विस चाहिए उसके बारे में, तो ये सब फॉर्मल करस्पॉन्डेंसेज होने वाले, फॉर्मल कम्युनिकेशन होने वाला है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेशन होने वाला है। तो दिस हैज टू बी इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होना चाहिए, इसलिए हम लोग इनको फॉर्मल लेटर्स कहते हैं। अभी फॉर्मल लेटर्स है तो ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, फॉर्मल लेटर्स है सब लोग इस चीज का ध्यान देंगे, फॉर्मल लेटर्स है तो देयर हैज टू बी अ फॉर्मेट, एक नंबर वन वही फॉर्मेट, कोई भी टाइप का लेटर हो फॉर्मेट वही रहेगा हमेशा, वो पर्टिकुलर फॉर्मेट को हम लोग स्टिक करने वाले हैं। फॉर्मेट लिखवाऊंगा, आप लोग मेरे साथ में लिखने वाले हो, जो भी मैं बताऊंगा लेक्चर में साथ में लिखना है, लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, रोज एक लेक्चर, रोज 40-45 मिनट हार्डली लिखेंगे साथ में, तो फिर बाद में प्रैक्टिस सिर्फ हमको रीडिंग करना रहेगा, ज्यादा कुछ हमको बीसीआर में करना नहीं पड़ेगा, आराम से मार्क्स मिलेंगे। तो देयर हैज टू बी वन फॉर्मेट, वो फॉर्मेट को हम लोग स्टिक करेंगे हमेशा। फिर फॉर्मल कम्युनिकेशन है तो भाषा का उपयोग भी बहुत फॉर्मल रहना चाहिए, बहुत प्रिसाइज, बहुत टू द पॉइंट, बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है। बहुत बार बच्चे बहुत इमोशनल हो जाते हैं लेटर्स में एंड बहुत ज्यादा कंटेंट लिख के आते हैं। सब लोग ये बात याद रखेंगे, हमको ज्यादा बात करना नहीं है भैया, टू द पॉइंट बात करना है। फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हो, किसी क्लाइंट को लिख रहे हो या किसी वेंडर को सप्लायर को लिख रहे हो या किसी को एप्लीकेशन के लिए लेटर लिख रहे हो, तो वहां पर हमको ज्यादा बात करने का जरूरत नहीं है। टू द पॉइंट क्या बात करना है, हर एक टाइप के लेटर में मैं आपको बताऊंगा, आप वो याद रखोगे उतना ही लिख कर आओगे। यहां पर लेटर राइटिंग में लेस इज मोर, ये फिलोसफी याद रखो करण सर का, लेस इज मोर, ज्यादा लिखना नहीं है। फॉर्मेट के दो मार्क पक्के, जो भी फर्स्ट पैराग्राफ बताऊंगा उसका एक आधा मार्क पक्का, सेकेंड थर्ड पैराग्राफ में जो बताऊंगा उसके मार्क्स पक्के। मैं तो बोलता हूं यार चार मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ये स्ट्रैटेजी अगर मेरा अपनाओगे तो चार मार्क्स स्कोर कर लोगे, पांच में से यार बहुत मार्क्स है, पांच में से चार मार्क्स बहुत बहुत ज्यादा मार्क्स है भाई। तो ये स्ट्रैटेजी यूज कर करके हम लोग जो हमारा टोटल है वो लगभग 25 मिनिमम में बोल रहा हूं। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, रिविजन कर रहे हो, लेक्चर सारे देखोगे, तो फिर मोर देन 25 आराम से 28-30 मार्क्स मिनिमम में बोल रहा हूं आ ही जाएंगे। फिर ऑब्वियसली आकाश सर है लॉ में, तो एक जगह आकाश सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट छोटे भाई, एक जगह करण सर इंग्लिश के प्रोफेसर, ऑलरेडी इतने सालों से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, बीसीआर पढ़ाने वाले हैं, तो 60 मार्क्स आकाश सर के, 40 मार्क्स करण सर के, 100 में से यार एग्जेम्पशन आ ही जाएगा, ये तो मुझे गारंटी है, राइट। सो सबसे पहले देयर हैज टू बी फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर्स, तो आप लोग लिखेंगे फॉर्मेट, चलो स्टार्ट करते तुरंत, फॉर्मेट ऑफ लेटर्स, ऑफ फॉर्मल लेटर्स, पहले आप लोग मेरे साथ में ये फॉर्मेट लिखोगे, फॉर्मेट मेरे साथ में ये लिखना है हमें, कोई भी टाइप का लेटर हो हमें हमेशा यही फॉर्मेट फॉलो करना है। इसलिए मैं जहां पर भी आप लोग बैठे हो, मेरा लेक्चर देख रहे हो, जहां पर भी लाइव स्ट्रीमिंग में है, सेंटर्स में, ये फॉर्मेट आपको लिखना है साथ में। बीसीआर का लेक्चर अटेंड करोगे मेरा तो साथ में नोटबुक पेन पेंसिल लेकर बैठना है भैया, राइट। नाउ हम लोग फॉर्मेट स्टार्ट कर रहे हैं, भूलना नहीं है, एक एक चीज बताते जाऊंगा। सबसे पहले जो सेंडर है लेफ्ट हैंड कॉर्नर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये आपका मार्जिन है, दिस इज योर मार्जिन, यस, ये मार्जिन आप इमेजिन करो, मेरा पेज जो है वो आपका मार्जिन है। तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर से आप स्टार्ट करोगे, पुराना सब कुछ भूल जाना है, ये जो फॉर्मेट मैं सिखा रहा हूं वही फॉर्मेट में आपको करना है। लेफ्ट हैंड कॉर्नर से स्टार्ट करोगे, सबसे पहले देयर विल बी सेंडर्स एड्रेस। लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, आपके पेज के लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आप सेंडर्स एड्रेस देने वाले हो इन 2-3 लाइन्स, 2-3 लाइन में आप सेंडर मतलब आपका जो भेजने वाला है, जो लेटर लिख रहा है, क्वेश्चन में मेंशन किया गया रहेगा कि बाबा एक्स वाई जी कंपनी का मैनेजर लेटर लिख रहा है इस कंपनी को, उस कंपनी को, तो ये यहां पर हमको सेंडर और रिसीवर, सेंडर मतलब भेजने वाला, रिसीवर मतलब जिसको लेटर लिख रहे, तो सेंडर का नाम, पता, एड्रेस दिया रहेगा, कंपनी का नाम दिया रहेगा, और अगर नहीं भी दिया है तो आपको एक इमेजिनरी एड्रेस, आपके घर का एड्रेस लिख दो यार, आपके कंपनी का एड्रेस लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेंडर एड्रेस यहां पर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में 2-3 लाइंस में, ये आपका यहां पर समझो फॉर एग्जांपल फर्स्ट लाइन, यहां पर सेकंड लाइन और यहां पर थर्ड लाइन, इस तरीके से 2-3 लाइन में आप सेंडर्स एड्रेस लिखोगे लेफ्ट हैंड कॉर्नर में। ये याद रखोगे सब लोग, सेंडर्स एड्रेस टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड कॉर्नर, सेंडर्स एड्रेस लेफ्ट हैंड कॉर्नर 2-3 लाइंस, सिटी पिन कोड देना है, फुल स्टॉप, खत्म। कंपनी का एड्रेस 2-3 लाइन में, अगले लाइन पर आपका पिन कोड, जैसे आकाश अग्रवाल क्लासेस गुरु कृपा कॉम्प्लेक्स विश्रांतवाड़ी पुणे 411015, कंप्लीट एड्रेस 2-3 लाइन में हो गया, राइट, छोटा 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 लिखने का है एकदम। सेंडर्स एड्रेस कंप्लीट हो गया, फिर यू विल लीव अ लाइन,
फॉर्मेट बता रहा हूं, यही फॉर्मेट फॉलो करना है, भूलना नहीं है किसी ने भी। सेंडर सेटर जैसे खत्म हो गया, यू आर लिविंग अ लाइन, फिर अगले लाइन पर, लाइन लिफ्ट करने के बाद अगले लाइन पर यहां पर सॉरी आपका डेट, डेट ये वर्ड लिखोगे, उसके बाद डेट का जो मैं फॉर्मेट बोल रहा हूं वही फॉर्मेट में लिखोगे, जो मैं फॉर्मेट बोल रहा हूं उसी फॉर्मेट में आप डेट लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल 10 सितंबर, कॉमा 2021, इसी फॉर्मेट में आप डेट लिखोगे, नहीं तो बच्चे लिखेंगे 10/9/21, 10-2021, ये सब फॉर्मेट नहीं चलने वाला है। मैं अभी सब लोगों को समझा रहा हूं, ये फॉर्मेट है डेट, जो डेट है वो डेट 8, 9, 10, 12, 15 हो तो वो नंबर लिखो, सामने पूरा मंथ फुल फॉर्म में पूरा मंथ लिखो, नहीं तो सितंबर के लिए एसीपीटी लिख के आ जाएंगे, नहीं पूरा मंथ लिखना है, कॉमा 2021 पूरा ईयर, इस तरीके से आपका डेट आएगा। देन अगेन यू विल लीव अ लाइन, सबसे पहले आपका आया सेंडर्स का एड्रेस, जो भी भेजने वाला है उसका एड्रेस, एक लाइन लीव किया, ध्यान रखेंगे मैं वो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, मतलब वी आर लीविंग अ लाइन, उसके नीचे डेट आया, डेट का फॉर्मेट मैंने बताया हुआ है, आप साथ साथ में लिखते जाएंगे मेरे, उसके नीचे जो भी रिसीवर है, जो भी रिसीवर है उसका डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन मतलब पोस्ट या पोजिशन, डेजिग्नेशन ऑफ रिसीवर, ये लिखो साथ साथ में मेरे, डेजिग्नेशन ऑफ रिसीवर। फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी के मैनेजर को लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, द मैनेजर, बराबर है क्या नहीं, ये उसका पोस्ट, ये डेजिग्नेशन हो गया क्या नहीं। प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हो तो द प्रिंसिपल, हम लोग हेड ऑफ डिपार्टमेंट को लेटर लिख रहे हैं, द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, या कंपनी के ओनर को, मालिक को, प्रोप्राइटर को, द प्रोप्राइटर, तो ये प्रोप्राइटर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मैनेजर, प्रिंसिपल, ये क्या बन गया, डेजिग्नेशन पोस्ट पोजिशन बन गए, किसके, रिसीवर के, तो वो हम लोग यहां पर लिखेंगे। Sometimes designation की जगह पर हम लोग डायरेक्ट नेम भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे मोस्टली सब questions जो भी आएंगे उसमें हम लोग नाम तो आएगा ही नहीं, हम लोग designation ही लिखेंगे, इसलिए मैं इसको रब कर देता हूँ, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। ये भी हो सकता है हम लोग को भाई मालिक का नाम पता है तो उसका नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, हम लोग उसका पोजिशन ही लिखेंगे। डेजिग्नेशन ऑफ द रिसीवर, ये आपका आ गया, यस, द मैनेजर, द प्रिंसिपल, द प्रोप्राइटर, द डायरेक्टर आ गया। उसके अगले लाइन पे नेम ऑफ कंपनी एंड एड्रेस, जो भी रिसीवर है, जो उसका नेम और उसका एड्रेस, ये आएगा आपका 2-3 लाइन में, 2-3 लाइन्स, 2 लाइन्स मैक्सिमम। डेजिग्नेशन के तुरंत नीचे जिस कंपनी के जो भी डेजिग्नेटेड पर्सन को हम लेटर लिख रहे हैं तो उसका यहां पर डेजिग्नेशन आएगा, और उसके नीचे उसी के कंपनी का नाम एंड उसके नीचे उसका एड्रेस, तो ये दो या तीन लाइन में नाम और एड्रेस पूरा आ जाएगा, राइट, सिंपल है। स्टार्ट किससे किया, सेंडर के एड्रेस से, 2-3 लाइन, उसके बाद एक लाइन लीव किया डेट, उसके बाद क्या किया हमने, डेट के बाद एक लाइन लीव किया, फिर क्या किया उसके बाद, ध्यान देंगे जो रिसीवर है उसका डेजिग्नेशन, रिसीवर का डेजिग्नेशन हो गया, उसी के नीचे रिसीवर के कंपनी का नाम, रिसीवर के कंपनी का एड्रेस, 2-3 लाइन में। यहां पर आपका रिसीवर के डिटेल्स खत्म हो जाते हैं, यस और नो, तो यहां पे वी विल लीव अ लाइन, ध्यान देंगे डेजिग्नेशन ऑफ द रिसीवर एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर, उसका ऑफिस का एड्रेस देंगे, कंपनी का घर का एड्रेस तो देने वाले नहीं है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यस। फिर उसकी लाइन, अगली लाइन पर वेरी इंपॉर्टेंट, अभी बहुत बार यहां पर गलती होती है बच्चों लोग की, क्योंकि पुराने फॉर्मेट वगैरह यूज करते हैं, नहीं हमारा वाला फॉर्मेट क्या है, यू विल लीव अ लाइन आफ्टर डेजिग्नेशन एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर, यू विल लीव अ लाइन एंड देन उसके बाद आएगा सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन मतलब डियर सर या डियर मैडम या रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, दिस इज सैल्यूटेशन फॉर द रिसीवर, जो भी रिसीवर है उसको अपन एक्नॉलेज कर रहे हैं, यस, तो हम लोग हमेशा डियर सर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में ही, ये सब लेफ्ट हैंड कॉर्नर से स्टार्ट करना है, सैल्यूटेशन ये वर्ड यूज करना नहीं है, फॉर्मेट है वो बता रहा हूं, नहीं तो आप सैल्यूटेशन ये वर्ड लिख के आ जाएंगे, नहीं डायरेक्टली डियर सर या डियर मैडम, ये याद रखना है, और किधर भी मैम ये भाषा इस्तेमाल नहीं करने का है, ध्यान रखो मैम ऐसा कोई वर्ड नहीं इंग्लिश लैंग्वेज में, नहीं तो व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज करके आ जाएंगे, मैम मैम भी कुछ नहीं था, डियर सर या डियर मैडम, अगर आपको पता नहीं है सर मैडम तो आप डियर सर ऑब्लिक मैडम लिख सकते हो, रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम भी लिख सकते हो, ध्यान रखेंगे इसको,
तो हम लोग सिंपल रखेंगे डियर सर या डियर मैडम, सिंपल है, ठीक है। तो यहां पर हमारा सैल्यूटेशन खत्म होता है। अगेन वी विल लीव अ लाइन डियर सर या डियर मैडम, ये लिखेंगे। डियर सर ऑब्लिक मैडम भी लिख सकते हैं। तो स्टार्ट ऑफिस है, छोटा चलो फटाफट सेंड अस एड्रेस, 2 से 3 लाइन। उसके बाद डेट, डेट का फॉर्मेट क्या है, फॉर एग्जाम्पल 10 September 2021। उसके बाद लीव अ लाइन, डेजिग्नेशन ऑफ द रिसीवर, द मैनेजर, द प्रिंसिपल, द प्रोप्राइटर, उसके नीचे रिसीवर का कंपनी का नाम और एड्रेस 2 या 3 लाइन में। अगेन लीव अ लाइन, फिर सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, डियर सर, डियर मैडम, बराबर है क्या नहीं। चलो आगे बढ़ेंगे, उसके नीचे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब क्या, विषय, टॉपिक, किस मुद्दे पर लिख रहे, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है ये बाबा। बड़े बड़े लोग सब्जेक्ट देखते हैं, उसके आगे लेटर देखते ही नहीं, रिसीवर का नाम देखते हैं और सब्जेक्ट देखते हैं, उनको समझ में आ जाता है ये इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट है। इसलिए सब्जेक्ट इज वेरी क्रूशल। सब्जेक्ट मतलब विषय, क्या मिलता है सब्जेक्ट हमको, सब्जेक्ट हमको मिलता है इन द क्वेश्चन, बाबा राइट अ लेटर कंप्लेनिंग अबाउट द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स इन योर एरिया, स्कूल में लिख रहेंगे क्या नहीं लिख रहेंगे, तो बैड कंडीशन ऑफ रोड्स, ऑफुल कंडीशन ऑफ रोड्स। राइट अ लेटर इंक्वायरिंग अबाउट, किसी चीज का इंक्वायर कर जब बाबा क्या नया सर्विस मिल रहा है क्या, या राइट अ लेटर कंप्लेनिंग अबाउट भाई आपका एसी का मेंटेनेंस अभी तक हुआ नहीं, सर्विस वगैरह हुआ नहीं, तो वो विषय है, वो मुद्दा है कि हम लेटर लिख क्यों रहे हैं। तो दैट इज विषय, विच इज जनरली, याद रखेंगे इसको, 3 to 4 words, 3, 4, 5 words मैक्सिमम, जो आपको कहां मिलने वाले हैं, क्वेश्चन में मिलने वाले हैं। वहां से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, यहां क्या करेंगे, बस पेस्ट करेंगे, दिमाग चलाना नहीं है। बहुत बार बच्चे लोग ना विषय सोचने के चक्कर में, सब्जेक्ट सोचने के चक्कर में बहुत टाइम लगा देते हैं, ये शूट हो रहा क्या, वो शूट हो रहा, कुछ नहीं, कंप्लेंट लेटर इंक्वायरिंग अबाउट दिस सर्विस, सिंपल, रिकवरी लेटर कर रहे, तो पेंडिंग ड्यूज, रिकवरी लेटर, वी वांट मनी, हमारा पैसा लौटाओ, लंबा लंबा बात, सेंटेंस नहीं करना है, 3, 4, 5 words मैक्सिमम, ये याद रखने का है, शॉर्ट क्रिस्प, जो क्वेश्चन में है वहां से कॉपी करो, यहां पर पेस्ट कर दो, दिमाग मत चला। ध्यान रखो बीसीआर में जितना दिमाग कम चलाएंगे उतने मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, मेरा रिक्वेस्ट है सब लोगों से, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, जो बोल रहा हूं फॉलो करो, कम से कम 25, ज्यादा ही मार्क आएंगे कम से कम, प्रॉमिस कर रहा हूं। तो यहां पर आपका विषय या सब्जेक्ट आता है, लेफ्ट हैंड कॉर्नर में सब्जेक्ट ये वर्ड लिखेंगे, कोलन डालेंगे, उसके सामने 3, 4, 5 words में पूरा सेंटेंस लिखने का जरूरत नहीं है, आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, ये रब कर देता हूं। अगेन यू विल लीव अ लाइन, यहां पर सब्जेक्ट जैसे खत्म होता है यू विल लीव अ लाइन। देखो अभी यहां ध्यान दो, ये आपका फॉर्मेट है, नीचे भी आने वाला है क्लोजर, सिग्नेचर वगैरह आने वाला है, ये आपका फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट अगर आप फॉलो करते हो ना बच्चे लोग, तो आपको ये 2 marks मिनिमम मिलने ही मिलने हैं। 2 mark यार, 2 mark है, 198 और 200 में 2 mark का फर्क है। बच्चे फॉर्मेट भूल जाते हैं, अपने मन से लिख कर आते हैं, स्कूल में कुछ 4-5 साल पहले सिखा रहेगा वो लिख के आते हैं, ऐसा मत कीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ वो फॉर्मेट फॉलो कीजिए, 2 mark तो मिलने ही मिलने, जो आगे बताऊंगा पैराग्राफ 1, 2, 3 उसमें आपको 1-1.5 डिपेंडिंग अपॉन आपका इंग्लिश कैसा है, आप कितना याद करते हो, और 3.5-4 mark करण सर के स्टूडेंट को मिलने ही मिलने, आउट ऑफ 5 मिलने ही मिलने, ये मेरा गारंटी। लेकिन आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे थ्रू आउट दिस सीरीज, अराउंड 30 lectures रहेंगे मेरे, 40-45 minutes का हर एक लेक्चर रहेगा डेली, सॉरी, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे, एग्जाम हॉल में याद रखेंगे तो मार्क्स मिलने ही मिलने, ठीक है। सब्जेक्ट लिख दिया हम लोगों ने, अभी हमारा स्टार्ट होता है एक्चुअल लेटर, एक लाइन लीव करेंगे, अभी यहां पर ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेटर आपका 3 paragraph में डिवाइडेड रहता है, पैराग्राफ नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन, जिसके बाद आप फिर से एक लाइन लीव करोगे, यहां पर स्पेस छोड़ रहा हूं, कुछ समझाने वाला हूं इसीलिए। पैराग्राफ नंबर 2 इज योर बॉडी, एंड पैराग्राफ नंबर 3 अगेन यू विल लीव अ लाइन, हर पैराग्राफ के बीच में लाइन छोड़ो, थोड़ा सा नीट एंड टाइडी दिखता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है, इंप्रेसिव लगता है। फिर लास्ट में आपका क्लोजर या कंक्लूजन, कंक्लूजन। अभी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया, यहां पर हमको ध्यान देना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, यहां पर हमारा एक्चुअल राइटिंग स्किल दिख कर आता है। लेकिन इसके लिए भी बहुत सारे ट्रिक्स है हमारे पास, याद रखना है बस, जो भी बोल रहा हूं वो याद रखना है। योर लेटर ऑलवेज कंप्राइजेस ऑफ 3 paragraphs, हर बार करण सर का स्टूडेंट लेटर कितने पैराग्राफ में, जब भी कभी किसी भी एग्जाम में नहीं, आगे भी कभी लेटर लिखेंगे कितने पैराग्राफ में लिखेंगे, 3 paragraph में लिखेंगे, हमेशा याद रखेंगे लेटर
तीन पैराग्राफ में लिखेंगे। पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, दूसरा पैराग्राफ बॉडी, तीसरा पैराग्राफ कंक्लूजन। सर इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन ये तो ठीक है, लेकिन लिखना क्या है? सबसे पहले याद रखो, कोई बताएगा नहीं, मैं बता रहा हूं पूरा का पूरा लेटर इसी तरीके से, सारे के सारे टाइप्स ऑफ लेटर इसी तरीके से लिखेंगे, बताऊंगा क्या लिख के आना है। सिर्फ प्रोडक्ट चेंज होगा, बाकी भाषा सेम रहने वाली है, कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं रहेगा, सिर्फ पेन चलाना है हमको जाके, ध्यान देंगे यहां पे। सबसे पहले आपका आता है इंट्रोडक्शन। योर इंट्रोडक्शन ऑलवेज इन एनी काइंड ऑफ लेटर इज इंट्रोडक्शन एंड रीजन फॉर राइटिंग द लेटर इन टू लाइन्स, वन टू टू लाइन यार, दो एक से दो लाइन, वन टू टू लाइन्स। हमेशा हमेशा मेरा इंट्रोडक्शन जो मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है लेटर का, सब्जेक्ट लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे लेफ्ट हैंड कॉर्नर से, इमीडिएटली यहीं से स्टार्ट करेंगे लिखना, इधर से स्टार्ट करेंगे लिखना। क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन किसका? सेंडर का। I am Karan Agarwal studying in this standard of your school. ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया क्या? नहीं हो गया। I am Karan Agarwal account head या finance head of this company. I am Karan Agarwal resident of this area writing a letter. तो मैंने क्या किया? I am Karan Agarwal या मेरा नाम, मेरा position, मेरा designation, जो भी मेरा इंट्रोडक्शन है वो मेरा क्या बन जाएगा? First part बन जाएगा, इंट्रोडक्शन बन जाएगा। जो मेरा फर्स्ट पैराग्राफ में पैराग्राफ है उसमें सेंडर अपना इंट्रोडक्शन देगा, सबसे पहले शॉर्ट में, एक आधे सेंटेंस में, एंड उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट, वो लेटर क्यों लिख रहा है, रीजन फॉर राइटिंग द लेटर। पहले पैराग्राफ पढ़ते ही आपके रिसीवर को समझ में आ जाना चाहिए कि आपने लेटर क्यों लिखा हुआ है। आपका इंफॉर्मेशन, आपका इंट्रोडक्शन एंड रीजन फॉर राइटिंग द लेटर, आई करण अग्रवाल रेसिडेंट ऑफ सो एंड सो एरिया आई एम राइटिंग अ लेटर कंप्लेनिंग अबाउट द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स इन माय लोकेलिटी। तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया करण अग्रवाल कौन से एरिया में रह रहा है, एंड रीजन हो गया कि व्हाई यू आर राइटिंग द लेटर, बैड कंडीशन ऑफ रोड्स इन माय लोकेलिटी, खत्म। आई करण अग्रवाल ओनर ऑफ आकाश अग्रवाल क्लासेस राइटिंग अ लेटर टू इंक्वायर अबाउट योर समझ लीजिए एप्लीकेशन सर्विसेज, आईटी सर्विसेज, या इंक्वायरिंग अबाउट और कुछ इवेंट का इंक्वायरी, कुछ प्रोडक्ट का सर्विस का इंक्वायर करता रहेगा। यस, तो ये क्या बन गया? आपका इंट्रोडक्शन, जो सेंडर है मतलब उसका इंट्रोडक्शन एक सेंटेंस, और रीजन फॉर राइटिंग द लेटर एक सेंटेंस, दोनों सेंटेंस को अलग अलग कर दो या एक बनाकर लिख दो, एक से दो लाइन, ये आपका पहला पैराग्राफ रहेगा। हमेशा कोई भी आपका लेटर हो, हमेशा आपका फर्स्ट पैराग्राफ यही रहेगा, योर इंट्रोडक्शन मतलब सेंडर का इंट्रोडक्शन और रीजन फॉर राइटिंग द लेटर। हो गया सिंपल, एक मार्क मिलेगा, एक मार्क मिलेगा ही मिलेगा, यही लिख के आना है, दूसरा कुछ नहीं लेना। फॉर्मल लेटर में रिकवरी लेटर हो, सेल्स लेटर हो, प्रमोशनल लेटर हो, कंप्लेन लेटर हो, रिप्लाई टू कुछ भी हो, इंट्रोडक्शन जो भेज रहा है, जो पर्सन भेज रहा है उसका इंट्रोडक्शन। अभी इंट्रोडक्शन अलग अलग टाइप के रहते हैं, वो अलग अलग टाइप के लेटर्स में अलग अलग बताऊंगा मैं आपको, इंट्रोडक्शन भेजने वाले का और उसका रीजन फॉर राइटिंग द लेटर याद रहेगा सबको। यस, ये लिख लिया, आगे बढ़ेंगे। फिर सेकेंड पैराग्राफ पे आते हैं बॉडी। बॉडी ये आपका कंटेंट है, ये मेन पैराग्राफ है, ये स्किल है बाबा। इसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन, डिटेल है फिर भी 3 to 4 lines, उससे ज्यादा नहीं। जो भी आपका टॉपिक है, जिस किसी भी चीज के लिए आप लेटर लिख रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, उसका पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सेकेंड पैराग्राफ में आने वाला है। प्लस यहां पर आपके पास स्कोप रहता है टेबल्स यूज करने का, टैबुलर फॉर्मेट जिसको हम लोग टैबुलर फॉर्मेट बोलते हैं, या बुलेट पॉइंट्स यूज करने का, टेबल बना सकते हैं, बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप कुछ ऑर्डर कर रहे हो तो किचन यूटेंसिल्स ऑर्डर कर ले, सब आपके पैंट्री के लिए, कंपनी के पैंट, तो भाई कड़ची, चम्मच, कटोरी, ग्लास, बाउल, ये सब ऑर्डर करें तो ये एक एक लाइन अलग अलग लाइन पे लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि सामने उसके क्वांटिटी भी लिखना पड़ेगा ना, भाई 4 चम्मच, 10 कटोरी, 15 ग्लास, ये सब क्या है? ये आपका ऑर्डर करने वाला सामान है, तो ऑब्वियसली ये आपका कंटेंट के अंदर आएगा, सिंपल बात है क्या नहीं है? इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको देना पड़ेगा क्या नहीं देना पड़ेगा? तो उसको आपको जिस तरीके से लिखना है वो आप एक टेबल बना सकते हो, उसका उसका बुलेट पॉइंट्स बना सकते हो,
जरूरी नहीं हर लेटर में ये आएगा, ये सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ये ऑप्शन आपके पास हमेशा ओपन रहता है, जरूरी नहीं आपको हर लेटर में लिखना है। बेसिकली हमारा बॉडी क्या है, जिस पैराग्राफ में हम लोग पूरा डिटेल दे रहे हैं, जो लेटर का मेन थीम है जिस लिए आप लेटर लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझ लीजिए कि कस्टमर कंप्लेंट का लेटर, आप कस्टमर हो, आपने किसी से सर्विस या प्रोडक्ट लिया हुआ है और वो मैच नहीं हो रहा है, स्टैंडर्ड्स मैच नहीं हो रहे हैं, एज पर एक्सपेक्टेशंस नहीं है, तो आप ये सेकेंड वाले पैराग्राफ में पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन दोगे कि आपने कब परचेस किया था, कौन से स्टोर से परचेस किया था, क्या प्रॉमिस किया गया था और क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने क्या क्या चीज़ें की है। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है रीडर पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको पता तो चलना चाहिए ना आप कस्टमर को क्या इशू आ रहा है, कौन से प्रोडक्ट को रिलेटेड इशू आ रहा है, कब परचेस किया हुआ है, कस्टमर ने क्या कोशिशें की है, तो वो सारी चीज़ें आपका ये बॉडी ये कंटेंट के अंदर आ जाता है। बहुत बार कंटेंट बच्चे 8-8, 10-10, 12-12 लाइन लिखते हैं, नहीं, आपको यहाँ पर 3-4 लाइन्स में आपकी बात लिखना आना ही चाहिए, 3-4 पॉइंट 5 पॉइंट मैक्सिमम। मैं ये बेंचमार्क बता रहा हूँ, 1-2 कम ज्यादा हो सकता है जरूरी, लेकिन हमको कोशिश क्या करना है, टू द पॉइंट फॉर्मल कम्युनिकेशन है, ज्यादा बात वैसे भी नहीं करने की, अपने को फॉर्मल कम्युनिकेशन है तो कम बात करने की, उसके अंदर दायरे में रहकर हम लोग को लिमिट रखते हुए बात करने की। हाँ, आप ऑर्डर कर रहे हो तो फिर सारा पैराग्राफ सॉरी पूरा टेबल बनने ही वाला है, या आप इंक्वायर कर रहे हो किसी चीज़ का, इंक्वायरी कर रहे हो कि बाबा हमको टूर पे जाने का है, घूमने जाने का है, तो आपके पास कौन से लोकेशंस के पैकेजेस अवेलेबल हैं, फैमिली के लिए कुछ पैकेज है क्या, नहीं खाना आप प्रोवाइड करते हैं क्या, नहीं फिर बाय रोड लेकर जाएंगे या फ्लाइट्स का कुछ चार्जेस है क्या, नहीं, तो मतलब क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन में आपके पास चीज़ें बहुत है ना पूछने के लिए, आप इंक्वायर कर रहे हो तो आपके पास पॉइंट्स बहुत है पूछने के लिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन है तो उसके लिए हम इस तरीके से फॉर्मेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि भाई पूरा पैराग्राफ ही लिखना है, हम लोग जहाँ पर भी जरूरी है वहाँ टैबुलर फॉर्मेट्स का, बुलेट पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं। ये याद रहेगा, बॉडी कंटेंट ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अगर आपका अच्छा लैंग्वेज रहता है तो यहाँ पर आपको 1-1.5 मार्क मिलता है, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, लेटर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अलग अलग टाइप के लेटर्स देखेंगे हम लोग, उनमें से एक टाइप का लेटर एग्जाम में आएगा तो हमको भाषा समझ में आएगी क्या यूज करना है बॉडी के अंदर, राइट। अभी फिलहाल इतना ही याद रखो कि इंट्रोडक्शन फर्स्ट पैराग्राफ मतलब इंट्रोडक्शन एंड रीजन फॉर राइटिंग द लेटर 1-2 लाइन, फिर बॉडी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कंटेंट है पूरा का पूरा, जरूरत पड़ी तो फॉर्मेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बुलेट पॉइंट का या टेबल का, 3-4 लाइन 5 लाइन मैक्सिमम, उसके बाद 1 लाइन छोड़कर फिर हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब क्या, आपका क्लोजर। अभी हम लोग वेरियस टाइप्स के लेटर्स देखेंगे तो वहां पर अलग अलग क्लोजर्स आने वाले हैं, क्लोजर में भी बहुत बार बच्चे बहुत भावनात्मक हो जाते हैं, पता नहीं क्यों मेरे बच्चे बहुत इमोशनल हो जाते, बिल्कुल नहीं, काइंडली टेक नेसेसरी एक्शन एज अर्ली एज पॉसिबल फुल स्टॉप, ये आपका क्लोजर है, ये आपका क्लोजर है, प्लीज मेक द पेमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल फुल स्टॉप, ये आपका क्लोजर है, अवेटिंग पॉजिटिव रिप्लाई फ्रॉम योर साइड फुल स्टॉप, ये आपका क्लोजर है, कंक्लूडिंग लाइन है 1-2 लाइन नॉट मोर देन दैट, इधर लिख देता हूँ, लिख देता हूँ भैया, लिख देता हूँ, बच्चे भूलने नहीं चाहिए, 1-2 लाइन मैक्सिमम टाइम एक ही लाइन लिखते हैं लेकिन 2 लाइन का स्कोप देकर रखा हुआ। कंक्लूजन अलग अलग टाइप के लेटर के लिए सेम टाइप का कंक्लूजन रहेगा, मतलब आप समझ लो कि ये मैं आपको लर्न करवाने वाला हूँ, अभी तो हो ही गया है, लेकिन अलग अलग टाइप के लेटर के लिए ये भी मैं आपको लर्न करवा दूंगा, इधर भी मैं आपको बहुत सारा आइडिया दे दूंगा हर टाइप के लेटर में लिखना क्या है, बस आपको प्रोडक्ट चेंज करना है, बात वही रहने वाला है, सिर्फ प्रोडक्ट चेंज, कभी एसी का बात होगा, कभी टू व्हीलर का बात होगा, कभी कंप्यूटर का बात होगा, सिंपल बात है क्या, नहीं है, राइट। तो ये चीज चेंज होने वाली, ज्यादा चीजें चेंज नहीं होने वाली, तो ये तीनों चीज अगर हम लोग इस तरीके से फॉर्मेट के हिसाब से जो मैंने बोला हुआ है उसके हिसाब से लिखेंगे तो हमको 100% मार्क्स मिलने वाले हैं। यहां पर हमारा तीसरा पैराग्राफ एंड हो जाता है, तीसरा पैराग्राफ खत्म होते ही अगले लाइन पर तुरंत आप लिखने वाले हो थैंक यू, क्या लिखने वाले हो भैया, थैंक यू, एज सून एज थर्ड पैराग्राफ कंक्लूजन खत्म हुआ अगले लाइन पर थैंक यू, एक लाइन लीव करें सिर्फ थैंक यू लिखने का, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, थैंकिंग इन एंटिसिपेशन, थैंकिंग यू नहीं, थैंक यू सिंपल, जो मैं बोल रहा हूं उतना याद रखो, थैंक यू लिखो, सब लोग थैंक यू लिखो। थैंक यू के बाद आता है इंपॉर्टेंट स्टेप, क्लोजर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, थैंक यू लिख दिया एक लाइन लीव करेंगे, उसके बाद आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर करना है तो हम लोग लिखेंगे योर्स ट्रूली, TRULY योर्स ट्रूली, अपन लिखते नहीं कि अब
योर्स लविंगली, आपका अपना, आपका प्रिय, वैसा ये क्लोजर है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर है। योर्स ट्रूली लिखेंगे, योर्स सिंसियरली लिखेंगे नहीं, क्यों नहीं लिखेंगे? सिंसियरली का स्पेलिंग हमको आता नहीं है। योर्स ट्रूली, TRULY, ट्रूली का भी स्पेलिंग नहीं आता है तो फिर मुश्किल है, फिर करण सर भी कुछ नहीं कर सकते है। योर्स ट्रूली सिंपल, योर्स ट्रूली, अगले लाइन पर सेंडर का नाम, नेम ऑफ सेंडर, जैसे मैं लिख रहा हूं तो करण अग्रवाल, अगले लाइन पर सेंडर के नाम के नीचे उसका डेजिग्नेशन, जैसे मैं लिख रहा हूं तो यहां पर आएगा करण अग्रवाल, डेजिग्नेशन आएगा डायरेक्टर, अगले लाइन पर नेम ऑफ कंपनी AAC आकाश अग्रवाल क्लासेस, सिंपल है। तो ये आपका एंडिंग रहेगा, यहां पर आप खत्म कर दो, दिस इज योर क्लोजर, खत्म, फॉर्मेट खत्म भैया, खत्म, दूसरा कुछ नहीं है, इतना ही है फॉर्मेट के अंदर, याद रखो इतना ही है फॉर्मेट के अंदर। योर्स ट्रूली, अगले लाइन पर नेम ऑफ सेंडर, उसके अगले लाइन पर कंपनी नेम, सेंडर की कंपनी का नाम, उसके अगले लाइन पर नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ सेंडर, डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर एंड नेम ऑफ कंपनी, यहां पर आपका लेटर खत्म हो जाता है, यहां पर आपका लेटर खत्म हो जाता है, खत्म। ये देखो ये आपका फॉर्मेट है, फटाफट फॉर्मेट के पास देखेंगे, फटाफट फॉर्मेट देखो, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्या? लाइव स्ट्रीमिंग देखो, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, फटाफट रिवाइज करेंगे। फॉर्मेट ऑफ लेटर, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, जो भेज रहा है उसका एड्रेस, लेफ्ट हैंड कॉर्नर से, ये हमारा लेफ्ट हैंड कॉर्नर है, यहां से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड कॉर्नर में सेंडर्स एड्रेस, 2 से 3 लाइन, सिंपल है, अपना एड्रेस लर्न करके चले जाओ, वो लिख के आ जाओ, ठीक है। एक लाइन छोड़ेंगे डेट, डेट का फॉर्मेट 10 September पूरा कॉमा 2021 पूरा का पूरा, जो भी डेट पे आप लेटर लिख रहे हो वो यही फॉर्मेट रहेगा। फिर अगेन लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे सब कुछ, फिर एक लाइन लीव करेंगे, जो भी अपना रिसीवर है उसका डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन मतलब उसका पोस्ट क्या है, जिस कंपनी में वो काम कर रहा है उसका पोजिशन क्या है, पोजिशन ऑफ द पर्सन, द मैनेजर, द प्रिंसिपल, द प्रोपराइटर, द HOD, द जो भी। उसके अगली लाइन पर रिसीवर की कंपनी का नाम और उसका एड्रेस, 2 से 3 लाइन में कंपनी का नाम और एड्रेस लिख दो, सिंपल, शॉर्ट में एड्रेस लिख दो, कंपनी का नाम लिख दो, शॉर्ट में एड्रेस लिख दो, जनरली क्वेश्चन में ये दिया गया रहेगा, आपको वहीं से कॉपी करना है। फिर एक लाइन लीव करेंगे, फिर सैल्यूटेशन, भूलना नहीं है, यहां पर एक चेंज है, इससे पहले जो बचपन में अपन लेटर लिखते थे सैल्यूटेशन बाद में आता था, पहले सब्जेक्ट आता था, बराबर है क्या? नहीं, यहां पर सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, डियर सर, डियर मैडम, बस सिंपल, नहीं मालूम है तो डियर सर ऑब्लिक मैडम, पूरा मैम लिखना नहीं है, ठीक है। फिर एक लाइन लीव करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब विषय, मुद्दा, क्यों लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में मिलता है, कॉपी करने का, पेस्ट करने का, 3 to 4 वर्ड्स, पूरा सेंटेंस लिखना नहीं है, पूरा स्टोरी लिखना नहीं है, 3-4 वर्ड में समझाना कि ये टॉपिक किसके रिलेटेड है, इंक्वायरिंग अबाउट आगे देखने वाले केटरिंग सर्विसेज, कंप्लेंट अबाउट फॉल्टी या कंप्लेंट अबाउट डिले इन डिलीवरी, मतलब 3-4 वर्ड्स में, सिंपल। पेंडिंग ड्यूज, बहुत दिनों से पैसा बाकी है, 10,000 रुपए बाकी है, ऐसा नहीं, सिर्फ पेंडिंग ड्यूज, पेंडिंग पेमेंट, इतना लिखने का है। यस, तो सब्जेक्ट 3 to 4 वर्ड्स, क्वेश्चन में मिलेगा, कॉपी करके पेस्ट करेंगे, फिर एक लाइन लीव करेंगे, यहां पर हमारा एक्चुअल चैलेंज चालू होता है, 3 पैराग्राफ में हमारा लेटर लिखा जाएगा। 7 types ऑफ लेटर्स है, ये 3 पैराग्राफ में आपको रटाने वाला हूं, चिंता करना नहीं, अभी बेसिक आइडिया दे रहा हूं सिर्फ। पैराग्राफ नंबर 1 याद रखेंगे, कोई भी टाइप का लेटर लिखो, पैराग्राफ नंबर 1 योर इंट्रोडक्शन, मतलब सेंडर्स इंट्रोडक्शन एक लाइन में, एंड रीजन फॉर राइटिंग द लेटर, क्यों लेटर लिख रहा है एक सेंटेंस में, पूरा लेटर नहीं दिखने है, वो क्यों लेटर लिख रहा है ये बताने का है। सेंडर्स नेम मतलब इंट्रोडक्शन, उसका नाम लिखना हमेशा जरूरी नहीं रहेगा, अपन देखेंगे आगे समझ में आएगा, सेंडर का इंफॉर्मेशन वहां पर, इंट्रोडक्शन एंड रीजन फॉर राइटिंग द लेटर, आई एम राइटिंग द लेटर टू इंक्वायर अबाउट, आई एम राइटिंग द लेटर टू कंप्लेंट अबाउट द डिले इन डिलीवरी, सिंपल है क्या? नहीं है। आई एम राइटिंग द लेटर विद रिगार्ड्स टू आउटस्टैंडिंग पेमेंट, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। यस, तो यहां पर क्या हो गया, पहले पैराग्राफ में रिसीवर को समझ में आ गया आप कौन है, क्यों लेटर लिख रहे हो। फिर सेकेंड पैराग्राफ, ये चैलेंज है, ये आपका बॉडी है, यहां पर आपका एक्चुअल कंटेंट आने वाला है, डिटेल में डिस्क्रिप्शन देने वाले कि लेटर का जो भी मुद्दा है वहां पर सब बातें आएगी। कभी कभी फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमें जरूरत पड़ जाता है टैबुलर फॉर्मेट बनाने का, क्योंकि इन्फॉर्मेशन रहता है, या तो इन्फॉर्मेशन देना रहता है या तो इन्फॉर्मेशन लेना रहता है, होता है क्या? नहीं होता है, पापा इन्फॉर्मेशन देना है, मेरे पास कैटलॉग है, ब्रोशर है, या आपने सवाल किए हुए उसके जवाब देने हैं मुझे, है ना। क्लाइंट क्वेश्चन करता है लेटर में, तो
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी रिप्लाई में लेटर लिखना पड़ता है, तो इन्फॉर्मेशन पूरा डिटेल में देना पड़ेगा क्या नहीं, तो उसके लिए भी फॉर्मेट का जरूरत पड़ेगा। तो हम टैबुलर फॉर्मेट का इस्तेमाल सेकेंड पैराग्राफ में कर सकते हैं, बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। सेकेंड पैराग्राफ बेसिकली 4-5 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा, कम बात करना है, जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड ही बात करना है। यहाँ पर फॉर्मेट्स का जरूरी नहीं है, तो वहाँ पर तो आपका 3-4 लाइन में ही ये टॉपिक, मतलब जो सेकेंड पैराग्राफ है वो खत्म हो जाएगा। सिंपल है, टाइप्स ऑफ लेटर्स देखेंगे तो वो भी मैं आपको रटा दूंगा। फिर लास्ट में कंक्लूजन, 1 या 2 लाइन क्लोजर। बाबा वेटिंग इन एंटिसिपेशन, अवेटिंग रिप्लाई फ्रॉम योर साइड, काइंडली डिलीवर द प्रोडक्ट बिफोर द, नहीं क्या 10-15 तारीख से माल भेज दो, या काइंडली पे द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, अदरवाइज स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन। तो ये 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस, उससे ज्यादा नहीं, बिल्कुल भी कंक्लूजन में ज्यादा बात नहीं करने का। कंक्लूजन जैसे होता है अगले लाइन पर तुरंत थैंक यू, अगले लाइन पर तुरंत क्या थैंक यू, उसके अगले लाइन पर हम सॉरी उसके बाद तो हम एक लाइन छोड़ेंगे, फिर योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली नहीं, योर्स लविंगली नहीं, कुछ नहीं, योर्स ट्रूली, स्पेलिंग सेम है, सिंपल है, मिस्टेक नहीं होने वाला। देखो हमको कोई चांस नहीं छोड़ना है मिस्टेक करने के लिए। योर्स ट्रूली, उसके अगले लाइन पर नेम ऑफ द सेंडर क्वेश्चन में दिया गया रहेगा, उसके कंपनी का डेजिग्नेशन, मतलब वो जिस पोस्ट पर है वो डेजिग्नेशन उसका, और उसके कंपनी का नाम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आएगा करण अग्रवाल डायरेक्टर AAC, पूरा लिखेंगे, अभी ये शॉर्ट में आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो विद दिस हमारा फॉर्मेट पूरा हो जाता है। यही फॉर्मेट, बिलीव यू मी, यही फॉर्मेट आप हमेशा लिखने वाले हो, बिल्कुल भी कोई भी जो भी मेरा लेक्चर जहां पर भी देख रहे हैं बिल्कुल भी दिमाग नहीं चलाएगा। यही फॉर्मेट एग्जाम में भी, एग्जाम के बाद भी, कभी जिंदगी में भी लेटर लिख रहे हो तो यही फॉर्मेट में लिखो, फॉर्मल लेटर। यही फॉर्मेट हमारा रहना चाहिए, कोई भी भूलेगा नहीं, बिल्कुल भी हमको ये इस चीज को भूलना नहीं है। आवर लेटर्स विल ऑलवेज बी इन दिस फॉर्मेट ओनली। आई होप जहां पर भी आप लोग हो, मेरे सामने जो है वो तो लिख ही रहे हैं, जहां पर भी है ये लिखो, ये फॉर्मेट बस एक बार फॉर्मेट देखना है और कुछ नहीं देखना है। एग्जाम से पहले ये फॉर्मेट 1 मिनट में आप देख लोगे, लेटर देखने की भी जरूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ लेटर्स है वो मैं हर एक टाइप का लेटर मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा, सैंपल सॉल्व करवाऊंगा आपको, तो प्रैक्टिस हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। वो टाइप्स ऑफ लेटर्स में भाषा क्या इस्तेमाल करना है, कौन से टाइप के लेटर में, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बाबा इंक्वायरी लेटर में क्या वर्ड्स होने चाहिए, बॉडी में क्या आना चाहिए, फिर रिकवरी लेटर में क्या इंट्रोडक्शन बॉडी में क्या आना चाहिए, कंप्लेंट लेटर में क्या इंट्रोडक्शन बॉडी में क्या आना चाहिए, ये सब बेसिक ढांचा मैं बताने वाला हूँ। मतलब आपको कुछ भी दिमाग चलाना नहीं, एकदम ईजी करके दूंगा, याद रखो एकदम ईजी करके दूंगा, मेरा वादा है, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। अगर आप ये नेक्स्ट अराउंड 25-30 लेक्चर नॉट मोर देन दैट, उतने में मेरा हो जाएगा ये सारे लेक्चर, जिसमें मैं पूरे राइटिंग स्किल्स के टॉपिक्स कवर करूंगा, 1-2 ग्रामर के भी टॉपिक्स कवर करूंगा, फिर कम्युनिकेशन चैप्टर कवर करूंगा, कैसे लर्न करना है कम्युनिकेशन चैप्टर, वो भी क्लास में कराऊंगा। मतलब ये आपने अगर करण सर के ये लेक्चर्स देख लिए दिन में 30-35-40 मिनट्स मैक्सिमम डेली देख लिए अगले 15-20 दिन के लिए, आपको BCR का अलग से पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, एक सब टॉपिक्स यहाँ पर कवर हो रहे हैं, दूसरा सारे टॉपिक्स हम लोग लिखकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, शॉर्टकट्स दे रहा हूं, ट्रिक्स दे रहा हूं, इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं, मतलब क्लैरिटी दे रहा हूं, इजी बनाकर दे रहा हूं। तो ये साथ में क्लास में ही प्रैक्टिस हो रहा है। देखो बाद में बहुत प्रेशर रहता है बच्चों के ऊपर, लॉ है, अकाउंट्स है, मैथमेटिक्स है, ऑफकोर्स आकाश सर है, श्रुति मैडम है मैथ्स के लिए, आकाश सर लॉ के लिए है, तेजस सर है अकाउंट्स के लिए, तो इतना प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी हमको उन सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करना पड़ता है। तो BCR जैसे सब्जेक्ट में हमको ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, तो अभी भी हमारे पास टाइम है, 2-2.5 महीना है एग्जाम के लिए। डेली करण सर के लेक्चर्स देखो, इतना साथ साथ में लिखो, जहां पर भी आप है साथ साथ में लिखते रहो मेरे साथ साथ में, जो भी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे हम लोग, आगे भी लेटर्स लिखेंगे साथ में लिखेंगे, तो ये 30-40 मिनट्स में आपका डेली 1-2 टॉपिक प्रैक्टिस हो जाएगा, मोर देन इनफ। फिर बाद में रिवीजन सीरीज अगर कुछ आता है, कुछ रहता है, मैं बताऊंगा, होमवर्क वगैरह दूंगा उतना, अगर करा तो अच्छा, नहीं तो इसमें भी आपको बहुत इंस्ट्रक्शंस मिलने वाले हैं जिनको फॉलो करके आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। यस, तो ये आज हम फर्स्ट सेशन है हमारा, फर्स्ट एक्चुअल सेशन है हमारा इंट्रोडक्शन के बाद, जिसमें लेटर राइटिंग का फॉर्मेट देखा है। कल हम लोग टाइप्स ऑफ लेटर्स स्टार्ट करने वाले, इन ऑल देयर आर 7 टाइप्स ऑफ लेटर्स और एक एप्लीकेशन लेटर, कवर लेटर जो लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग रेज्यूमे के साथ, तो ऐसे 8 टाइप है। अभी हम लोग 7 ही टाइप के लेटर देखेंगे, हर सेशन में 2-2 लेटर देखेंगे, मतलब हम लोग टाइप ऑफ लेटर देखेंगे कौन सा टाइप है, उसमें भाषा क्या होती है, टॉपिक क्या रहता है, वो किस बारे में लिखा जाता है, फिर उसका एक एक सैंपल भी देखेंगे हम लोग, राइट। तो इस तरीके से वी विल कंटिन्यू, आई होप आज का समझ में आया होगा। सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच, बाय।